नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत सारे फोटोज के साथ एक फोटो स्लाइड शो कैसे बनाएं और कम समय में कैसे बनाएं ये देखेंगे। हम सभी को अपने ऑफिस में या कॉलेज या स्कूल में कई बार ऐसी प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपके बहुत सारे पिक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उस जगह पर आपको ये ट्रिक बहुत काम आएगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। अब मुझको इस प्रेजेंटेशन में एक फोटो स्लाइड शो बनाना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं कि आप पिक्चर्स वन बाय वन इंसर्ट करें, या फिर एक दूसरा तरीका है जिसमें आप सारे पिक्चर्स को एक साथ इंसर्ट कर दें। फॉर सपोज आपके पास 40-50 पिक्चर्स हैं, तो अगर आप वन बाय वन इंसर्ट करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप वो सारे पिक्चर्स किसी एक फोल्डर में सेव कर दें विद प्रॉपर नेम। तो मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर फोल्डर बना रखा है और उसमें मैंने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की फोटो डाले हुए, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया के, जिनके मैंने फोटो एक फोल्डर में एक साथ रखे हुए। अब मैं ये चाहता हूं कि इन फोटो का एक स्लाइड शो क्रिएट करूं। तो हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट में गए, यहां पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, तो आपको इमेजेस टैब के अंदर एक फोटो एल्बम करके ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जब हम फोटो एल्बम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा एल्बम कंटेंट्स, तो यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल और डिस्क, तो मैं फाइल एंड डिस्क पर जाऊंगा और यहाँ पर आकर हम वो फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें हमने फोटो सेव कर रखे हैं। अब ये मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप सारी इमेजेस को या जो इमेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, एल्बम में इंसर्ट करना चाहते हैं, आप केवल उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे जाकर यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको जो फोटो एल्बम का डायलॉग बॉक्स है, आपकी सिलेक्टेड पिक्चर्स यहाँ बीच में बने हुए टेक्स्ट बॉक्स में शो होने लगेंगे। अब आप यहाँ पे किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू आपको सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बिना कुछ किए इसको यहाँ पर नीचे जो बटन दे रखा है क्रिएट, इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आपका एक सिंपल स्लाइड शो रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कई और ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप उनको भी एक बार चेक कर लें। जैसे एल्बम लेआउट, इस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई चीज़ें मिल रही हैं। फिट टू स्लाइड मीन्स आपके प्रेजेंटेशन की स्लाइड जो है फुल स्क्रीन पर ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, चाहे पिक्चर का साइज जो भी हो। करके देखते हैं फिट टू स्लाइड, और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पर एक फोटो एल्बम क्रिएट हो गई है, आपको फर्स्ट स्लाइड में ऑटोमेटिक लिख के आ गया फोटो एल्बम क्रिएटेड बाय एडमिन। आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, आपको जो नाम देना हो वो दे देते हैं। मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, एक नाम दे दिया मैंने स्लाइड शो का, किसके द्वारा क्रिएट किया है आप वहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं या जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1x1 जो 5 पिक्चर्स हमने सेलेक्ट की थी, इंसर्ट की थी, वो पांचों यहाँ पे शो हो रही हैं और ये ऑटोमेटिक स्लाइड के साइज के हिसाब से फिक्स हो गई, रिसाइज हो गई हैं। इनका स्लाइड्स को देखें, तो इस तरह से आपने एक स्लाइड शो ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे 5 की जगह अगर 50 पिक्चर्स भी होती तब भी आपका स्लाइड शो इतने ही समय में बन जाता। तो इस ये बहुत क्विक तरीके से आपका स्लाइड शो बनाने का तरीका है। अब हम वापस जाके इसी स्लाइड शो को एडिट भी कर सकते हैं। वापस इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे फिर फोटो एल्बम में गए तो एक नया ऑप्शन आ गया, एडिट फोटो एल्बम। तो एडिट फोटो एल्बम पर जब क्लिक किया तो वापस ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिडिल में आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट। अगर मैं ये चाहता हूँ कि सारी पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दें तो बस इस पर क्लिक करने की देर है और आपकी सारी पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये देखिए, क्लिक करते ही सारी इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वापस अभी हम एल्बम लेआउट पर जाएंगे और यहाँ पर देखते हैं कि और भी कई ऑप्शन दे रखे हैं। तो पिक्चर लेआउट में जब आप गए तो फिट टू स्लाइड हमने बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट किया था। अब इसके अलावा और ऑप्शन है, वन पिक्चर टू पिक्चर्स। वन पिक्चर मीन्स वन स्लाइड में वन पिक्चर इंसर्ट होगी,
टू पिक्चर्स मीन वन स्लाइड के अंदर दो पिक्चर इंसर्ट हो जाएंगी, और फोर पिक्चर्स मीन्स एक ही स्लाइड में चार पिक्चर्स इंसर्ट हो जाएंगी। तो अभी हम यहाँ पे टू पिक्चर सेलेक्ट करके देखते हैं फिर क्या होता है। तो इसको टू पिक्चर्स और अपडेट। अब ये देखिए, ये यहाँ पे आपको हर स्लाइड के अंदर दो पिक्चर्स इंसर्ट हो गई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, वापस फोटो एल्बम में गए, एडिट फोटो एल्बम पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर ऑप्शन के नीचे एक और चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, कैप्शंस बिलो ऑल पिक्चर्स। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि हर पिक्चर के नीचे उस पिक्चर का फाइल नेम भी आए, तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल ऑल पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट को हटा देता हूँ। वापस एल्बम लेआउट में गए, यहाँ पे टू पिक्चर्स कर रखा है, इसको हम हटा के वन पिक्चर कर देते हैं जिससे थोड़ा क्लियरिटी दिखाई दे, और इसको अपडेट कर दे। तो अब आपको हर पिक्चर के नीचे एक कैप्शन लिखा हुआ आ रहा है जो आपकी पिक्चर फाइल के नाम के अकॉर्डिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, वापस फोटो एल्बम में गए, एडिट फोटो एल्बम। अब यहाँ पर हमको मान के चलिए किसी पिक्चर को एडिट करना है, तो आप इस पिक्चर को सेलेक्ट करें, उसके सामने चेक बॉक्स के ऊपर टिक करें, तो पिक्चर के प्रीव्यू के नीचे आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। आप इन कंट्रोल्स को यूज करके पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट जो कंट्रोल है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, करके देखते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। सेकेंड क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए है, थर्ड कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल के लिए है, जबकि नेक्स्ट टू ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए। इसी तरह से आप पिक्चर के फ्रेम का शेप भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद अपडेट कर दो, तो ये सारी पिक्चर्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी। ये देखिए, ये फ्रेम अपडेट हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप फोटो एल्बम फीचर का यूज करके सैकड़ों हजारों पिक्चर्स का स्लाइड शो कुछ ही सेकंड्स में बना सकते हैं, जो कि आप इंडिविजुअली पिक्चर इंसर्ट करके नहीं कर सकते। सारी पिक्चर्स के फ्रेम सेट कर सकते हैं, उनके टाइटल सेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स आप सिर्फ फोटो एल्बम के सिंगल डायलॉग बॉक्स से सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी दें। धन्यवाद।